हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैंने ओनली मिल्क एंड लाइट शुगर से स्वीट रेसिपी तैयार की है, जिसकी रेसिपी इस प्रकार से मैं शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए आप इसे घर में होममेड बना सकते हैं और मेहमानों को और घर के फैमिली मेम्बर्स को इसे सर्व कर सकते हैं। ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को पसंद आने वाली मिठाई रेसिपी है, जिसको हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं और सबका मन खुश रख सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमारे पास सामग्री इस प्रकार से होनी चाहिए। इसको बनाने के लिए मैंने 500 ml मिल्क, 200 ग्राम चीनी एंड बस 200 ग्राम चीनी एंड 100 ग्राम नारियल, जो कि बारीक कटा हुआ होना चाहिए, बस इन तीन चीज़ों से मैंने इसको रेडी किया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मिल्क को मोटी तल वाली कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख देंगे। इसको बराबर से चलाते रहेंगे, जिससे इसकी तली में हमारा मिल्क ना लगे। जो लग जाएगा तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको बराबर चलाते रहेंगे। जब ये बहुत ही कम मात्रा में रह जाएगा, गाढ़ा पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद में इसको बराबर हम कलछी से चलाते रहेंगे। चलाने के बाद में जब ये बहुत ही गाढ़ी रबड़ी के जैसे शेप में आ जाएगी, उसके बाद में हम इसमें नारियल ऐड कर देंगे। नारियल ऐड करने के बाद में इसको बराबर हम चलाते रहेंगे और इसको गैस पर से हम उतार लेंगे। उतारने के बाद में भी इसको हम बराबर कलछी के द्वारा चलाते रहेंगे। जब ये थोड़ी ठंडी सी होने लगेगी, तब इसको हम एक थाली में थोड़ा सा ऑयल लगा करके, ग्रीसिंग करके ऑयल की, इसको हम पलट देंगे और ठंडा होने के लिए हम एक घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद में हम जिस आकार में इसको चाहें उस आकार का शेप दे करके नाइफ से इसको कट कर देंगे और इसको स्टोर करने के लिए एक डिब्बे में रख देंगे। और जब भी खाने का मन चाहेगा तब हम इसमें से निकाल करके मेहमानों को, घर के मेंबर्स को दे देंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा एंड घर पर ही से बनाइएगा। थैंक यू।